सलमान के बारे में आपको बताता हूँ कि वो उनसे मेरी थोड़ी बनती नहीं थी, क्योंकि जब इंडिया टीवी हमने शुरू किया तो हमने एक स्टोरी की गोविंदा पर और दाऊद इब्राहिम पर, उनके रिलेशन पर। तो सलमान गोविंदा के दोस्त थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने मीडिया से हमारे बारे में, इंडिया टीवी के बारे में बहुत कुछ कहा। फिर हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसको लेकर के सलमान ने इंडिया टीवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने भी उनके बारे में जो जो स्टोरीज थी दो चार बार थोड़ा जोर से चलाई। शत्रुघ्न सिन्हा हमारे दोस्त हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सलमान को आपकी अदालत में लाना, तो मैंने कहा कहाँ वो सलमान आएगा, वो तो हमें गाली देता है, झगड़ा करता है, टकराव होता है। नहीं नहीं मैं लेके आऊँगा भाई, सोनाक्षी फिल्म है तो सोनाक्षी को भी आपको आपकी अदालत में आना पड़ेगा। मैंने कहा सोनाक्षी को तो दो मिनट के लिए ले सकता हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो सलमान का। सलमान खान ऐसे आए और मेरे ऑफिस में रिकॉर्डिंग से पहले ऐसे खड़े, तो मैंने कहा बैठिए, बैठना जाएगा। तो मैंने कहा देखिए प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं मैं आपसे नहीं पूछूं, कुछ भी पूछो सर। तो मुझे लगा ऐसे कैसे प्रोग्राम होगा। अब मैंने रितु जी से कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने एक आइडिया दिया, इन्होंने कहा कि ये शो के अंदर भी टेढ़ा हो सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है, तो तुम ऐसा करो शत्रु जी को इसमें जज बनाओ, बहुत रेस्पेक्ट करता है, उनके सामने सीधा रहेगा, ये कि आप इसमें जज बैठ जाएंगे। तो वो जज बन गए, मान उसमें कटघरे में आके भी ऐसे खड़े हो गए। तो मैंने कहा बैठिए, ठीक है सर। तो मैंने शत्रुजी तरफ देखा, शत्रुजी ने कहा खामोश मुजरिम अपनी सीट पर बैठे। वो बैठ गए। वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ, सुपर हिट, बहुत ही बड़ा हिट वो सलमान खान का प्रोग्राम हुआ, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतनी सारी बातें की। मुझे ये डर था कि इस प्रोग्राम के बारे में सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे। आमिर खान के नेफ्यू की वेडिंग का रिसेप्शन था, तो मैं अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था। तो मैंने देखा कि सलमान खान मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैंने रितु जी से कहा, मैंने कहा ये पता नहीं यहाँ झगड़ा वगड़ा कर लेगा, तो मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। मैं थोड़ी और दूर चला गया जहाँ पर गोविंदा बैठे हुए थे और दो तीन लोग थे, तो उनके साथ बात करने लगा। फिर मैं देखा ये उधर आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो ज़रूरी मुझे मार पीटने के लिए आ रहा है। रितु जी थोड़ा आगे चली गई, इनसे कुछ बात की, फिर रितु जी मेरे पास कहने लगे नहीं नहीं इसलिए नहीं आ रहा, वो मुझे कह रहा है कि मैम आई वॉन्ट टू हग यू। मुझे विश्वास नहीं हुआ, वो आए और उन्होंने मुझे हक किया और बस कान में एक ही बात, सर 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 कमाल कर दिया, सर कमाल कर दिया, आपकी अदालत की मेहरबानी है। इसके बाद हम और सलमान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आज कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि मैं मुंबई जाऊं और उन्हें ना मिलूं और वो दिल्ली आएं और मुझे ना मिलें, और उनका मिलने का टाइम शुरू होता है रात को 12 बजे, ख़त्म होता है सुबह 6। अपनी किस्म के एक अलग इंसान, और उन्होंने उसके बाद जब भी मैंने कहा कि आपकी अदालत का शो करना है वो आए, और उन्होंने फिर बाद में तो और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बात की। तो ये सलमान खान की जो लेजेंडरी फिगर है वो कितनी बड़ी है, पर्दे के पीछे वो कैसे इंसान है, ये इससे पता चला।